हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2014 रिलीज्ड साइकोलॉजिकल सस्पेंस थ्रिलर के बारे में, जिसका नाम है बिग ड्राइवर। इस कहानी की शुरुआत होती है एक मिडिल एज वुमन को दिखाते हुए, जिसका नाम है टेस, और वो एक सक्सेसफुल नॉवेलिस्ट है। मेनली मर्डर मिस्ट्रीज लिखना पसंद करती है वो, क्योंकि उसे लोगों की साइकोलॉजी स्टडी करना बहुत पसंद है और इसी जॉनरा में वो फेमस भी है। एक दिन उसे एक लाइब्रेरी से मीट एंड ग्रीट का इनविटेशन मिलता है, जो उसके घर से बहुत दूर था, एक कम्प्लीटली अननोन सिटी में। अब ऐसा नहीं है कि वो पहली बार ऐसे किसी इवेंट पे जा रही थी, मगर उसे फ्लाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसीलिए वो ड्राइव करती है अपनी गाड़ी के GPS की मदद से। मगर वो रास्ता इतना लंबा और फुल ऑफ ट्रैफिक था कि टेस को काफ़ी वक्त लग जाता है वेन्यू तक पहुँचने में। साथ ही साथ उसकी सारी एनर्जी भी ड्रेन आउट हो चुकी थी। हालांकि इससे उसके इवेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत एंजॉय करती है वो पूरा समय, मगर फिर से उतना ही लंबा रास्ता लौटना होगा, ये सोचकर ही उसका माथा खराब हो रहा था। ऐसे में उस इवेंट की जो ऑर्गेनाइजर थी रमोना, वो टेस की मदद करती है, एक दूसरा रास्ता सेट कर देती है उसके गाड़ी के GPS में, जो शॉर्टकट होगा और वहाँ कोई ट्रैफिक जैम भी नहीं मिलेगा उसे। टेस तो बहुत खुश हो जाती है और उसी रास्ते निकल भी पड़ती है, लेकिन कुछ दूर जाते ही उसे थोड़ा वियर्ड फील होने लगता है, क्योंकि यह रास्ता कुछ ज्यादा ही सुनसान था, ऑलमोस्ट अबैंडन्ड। हार्डली कोई और गाड़ी नजर आ रही थी उसे। जितनी आगे बढ़ रही थी, उतना ही यह रास्ता लोकेलिटी से दूर होता जा रहा था। रमोना ने उससे कहा तो था कि इस रास्ते पर उसे सीनिक ब्यूटी देखने मिलेगी, मगर वो इतना क्रीपी वे में, इसका अंदाजा उसे बिल्कुल भी नहीं था। ऊपर से और कुछ दूर जाते ही अचानक ही टेस को एक जोर का झटका लगता है। उसकी गाड़ी किसी चीज से टकरा गई थी, मगर किससे वो उसे समझ नहीं आता। सामने तो कुछ भी नहीं था। फाइनली जब टेस गाड़ी से उतर कर चेक करती है, तब उसे समझ आता है रास्ते पर बहुत सारे वुडन बोर्ड्स पड़े हुए हैं, जिन पर नेल्स लगे हैं। उन्हीं में से कुछ उसके गाड़ी के एक टायर में घुस गया है। टेस के पास एक्स्ट्रा टायर तो था, लेकिन उसे चेंज करना बिल्कुल भी नहीं आता था उसे। ना उसके फ़ोन में कोई नेटवर्क सर्विस था जिससे वो कोई मदद बुला सके। ऐसे में उसके पास एक ही ऑप्शन था, किसी दूसरे से मदद लेना, लेकिन इतने सुनसान जगह पर तो दूर दूर तक कोई था भी नहीं। वो काफ़ी देर तक इंतज़ार करती है, तब जाके उसे एक ट्रक दिखता है, जिसे वो रुकने की कोशिश भी करती है, मगर वो रुकता ही नहीं। फिर आता है एक दूसरा ट्रक, जो फॉर्चुनेटली टेस के बुलाने पर रुक जाता है। इवन उसे तो ज़्यादा कुछ बोलना भी नहीं पड़ता। जो आदमी ड्राइव कर रहा था, लेस्टर, वो तो उन बोर्ड्स को देखते ही समझ जाता है और खुद टेस के गाड़ी से सामान निकालकर काम पे लग भी जाता है। टेस उसे बदले में कुछ पैसे ऑफर करती है, लेकिन उसे भी डिनाई करता है लेस्टर। ऐसे में टेस काफ़ी रिलैक्स्ड फील कर रही थी और खुश भी, मन ही मन सोच रही थी कि कुछ भले इंसान अभी भी जिंदा है। लेकिन दूसरे ही पल उसे उस बंदे का बर्ताव अजीब लगने लगता है। वो टेस को बहुत ही गंदे तरीके से चेकआउट कर रहा था। टेस उसकी तरफ ध्यान ना देने की कोशिश करती है, इधर उधर देखने लग जाती है, जिस चक्कर में उसकी नजर पड़ती है लेस्टर के ट्रक के ऊपर, जहां बस्ते के नीचे कुछ छुपा रखा था उसने। ध्यान से देखने पर टेस को समझ आता है, ये तो बिल्कुल वैसे ही बोर्ड्स है जिससे उसका पंक्चर हुआ था। तो क्या यह सब उसी का किया था रहा है? मगर क्यों? आखिर इरादा क्या है उसका? ऑनेस्टली टेस काफ़ी घबरा गई थी। काफ़ी सारे अजीबोगरीब थॉट्स आ रहे थे उसके दिमाग में, मगर इसके बाद उसके साथ जो होता है, उसके लिए वो बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थी। अचानक ही लेस्टर हमला कर देता है उस पर, उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट होने लगता है, और टेस उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो उल्टा घूसा मार के बेहोश कर देता है उसे। कुछ देर बाद जब टेस का होश लौटता है, तब वो खुद को रेस्ट स्टॉप के अंदर पाती है। तब भी वो हैवान मॉलिस्ट कर रहा था उसे। टेस उससे बच नहीं पाती, प्रोटेस्ट करते हैं तो उसका मुंह बंद कर दिया जाता है, खूसा मारकर बार बार उसे बेहोश कर दिया जाता है। टेस फिजिकली एंड मेंटली इतनी एग्जॉस्टेड हो चुकी थी कि वो चाहकर भी और कुछ नहीं कर पाती। लेस्टर सिर्फ उसे सेक्सुअली अब्यूज ही नहीं कर रहा था, साथ में वो उसे ब्रूटली टॉर्चर भी कर रहा था। टेस दर्द में जितना चिल्ला रही थी, जितना रो रही थी, उसी से खुशी मिल रहा था उसे। अगले कई घंटों तक चलता रहता है ये सब, तब तक नहीं रुकता जब तक टेस रिस्पॉन्स करना बंद नहीं कर देती, जब तक उसकी सांसें रुक नहीं जाती। इवन लेस्टर तो उसके लाश का फायदा उठाने से भी पीछे नहीं हटता। फाइनली जब उसका मन भर जाता है, तब वो टेस को ले जाकर पास वाले एक नाले में फेंक देता है। फिर से एक बार कन्फर्म भी कर लेता है कि वो सच में मर चुकी है या नहीं।
उसे मारता है, पानी में डुबो देता है, लेकिन जब इतना सब करके भी टेस कोई रिस्पॉन्स नहीं करती तब जाके तसल्ली होती है लेस्टर को। वो उसके लाश को खींच कर एक ड्रेनेज पाइप के अंदर ले जाता है और फिर गंदे पानी में फेंक कर निकल जाता है वहां से। बहुत खुश था वो, खुशी से नाच रहा था। उसे तो लगा था उसके इस घिनौने कांड के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। लेकिन उसके निकल जाते ही इधर टेस जाग उठती है। वो मरी नहीं थी बल्कि मरने का नाटक कर रही थी। लेस्टर के हाथ से बचने के लिए इंटेंशनली अपने सांसों को होल्ड कर रखी थी। इससे टेस जान से तो बच जाती है मगर खुद को संभालने में कई घंटे लग जाते हैं उसे। उसकी हालत तो किसी लाश से भी बदतर हो चुकी थी। शरीर पे इतने सारे चोट थे कि दर्द के मारे बार बार बेहोश हो रही थी बेचारी। वक्त का तो उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन और कब तक यहाँ ऐसे पड़ी रहेगी वो, उसे निकलना भी तो है। ये सोचकर किसी तरह खुद को खींचकर पाइप से बाहर निकाल लाती है टेस और उसी प्रोसेस में एक भयानक रियलिटी का सामना करती है वो। उसे उस पाइप के अंदर और भी तीन लाशें नजर आती हैं। उनमें से एक लड़की की मौत रिसेंट हुई थी शायद, उसकी लाश अभी भी फ्रेश थी, लेकिन दूसरे का शरीर तो पिघलने लगा था और तीसरा ऑलरेडी स्केलेटन बन चुकी थी। टेस को समझने में देर नहीं लगती, ये सभी लेस्टर के ही शिकार बने थे उसी की तरह। फर्क सिर्फ इतना है कि इनमें से कोई जिंदा नहीं बच पाए। पता नहीं कब से चल रहा है ये सब, पता नहीं कब से इनकी लाशें यहाँ पर सड़ रहे हैं। टेस अपने जख्मों से तो ऑलरेडी ट्रॉमाटाइज्ड थी मगर इन लाशों को देखकर उसकी हालत और खराब हो जाती है। जैसे तैसे खुद को संभाल कर फिर से उस रेस्ट स्टॉप में जा पहुंचती है वो। अपना सैंडल, जैकेट और जो कुछ भी उसका पड़ा था वहां सब कलेक्ट करती है, साथ में उस हादसे के सारे डिटेल्स भी। एक्चुअली उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था, वो उसके माथे पर चोट की वजह से हो या फिर ट्रॉमा की वजह से, लेकिन सब कुछ धुंधला सा लग रहा था उसे। मगर उसे पता था वो डिटेल्स उसके लिए कितनी ज़रूरी है, इसीलिए वो सब कुछ रिकलेक्ट करती है। जितना उसे याद था, जितना उसके आंखों ने देखा था, कानों ने सुना था, सब हर एक चीज़ क्रोनोलॉजिकली अपने दिमाग में सजा लेती है वो। अब वो एक्सपीरियंस प्लेजेंट तो नहीं था, बार बार याद करके खुद को ही तकलीफ दे रही थी वो, पागलों की तरह रो रही थी वो, लेकिन अपने दर्द और फ्रस्ट्रेशन को अपने ऊपर हावी होने नहीं देती टेस। खुद को संभालती है और मन ही मन डिसाइड कर लेती है उसे आगे क्या करना है। सबसे पहले उसे घर लौटना था, लेकिन उसके पास ना उसका फोन था ना अपनी गाड़ी। सब गायब कर दिया था लेस्टर ने और उसके घड़ी भी तो टूट चुकी थी, जिस कारण से वो समझ नहीं पाती है रात के कितने बज रहे हैं। ऊपर से रास्ता का भी उसे कुछ पता नहीं था। फिर भी टेस कोशिश करती है। उसे याद आता है रमोना ने एक टाउन के बारे में कहा था जो इस जगह से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। टेस उसे रास्ते निकल पड़ती है पैदल। रास्ते पर उसे कुछ कार्स नजर जरूर आते हैं मगर उन्हें देखते ही छुप जाती है वो। लिफ्ट मांगना तो दूर की बात है क्योंकि बार बार उसे यही लग रहा था कहीं ये लेस्टर तो नहीं। उसने कब तक चला, कितनी दूर आई, उसे कुछ नहीं पता। वो तो जैसे एक ट्रांस में थी। फाइनली गिरते पड़ते वो उस टाउन में पहुंची जाती है और एक कन्वीनियंस स्टोर के वॉशरूम में शेल्टर लेती है। खुद को क्लीन करती है, अपने जख्मों को साफ करती है मगर उसके कपड़ों की जो हालत हुई थी उस पर जो धूल मिट्टी और खून लगा था वो उससे साफ नहीं होता। सभी तो घूर घूर कर देखने लगे थे उसे। टेस को भी काफी ऑकवर्ड लगता है मगर फिर भी ऐसे सिचुएशन में भी वो ठंडे दिमाग से काम लेती है। सबसे पहले अपने घर के नंबर पे कॉल करके उसे जो कुछ भी डिटेल्स याद था पूरी स्टोरी वॉइस मेल पे रिकॉर्ड कर लेती है और फिर कॉल करती है पुलिस को, मगर इमीडिएटली कॉल काट भी देती है। इंस्टेड अपने एक जान पहचान की कार सर्विस में कॉल करके एक कार बुलाती है जो उसे घर ड्रॉप कर सके। घर जाके सबसे पहले सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स को एक्टिवेट कर देती है टेस। उसके बाद अपने गन को लोड करके अपने पास रख लेती है। उसके दिल और दिमाग के बीच एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो चुकी थी। एक तरफ वो पुलिस को बोलना चाहती थी क्योंकि जस्टिस उसे चाहिए था मगर दूसरी तरफ उसे ये भी पता था कि इससे उसे बहुत बदनाम होना पड़ेगा, उसका रिपुटेशन, उसका करियर सब मिट्टी में मिल जाएगा। इससे बेहतर वो कोई दूसरा रास्ता सोचे, मगर कौन सा रास्ता? और वो लाशें, क्या उनके बारे में भी वो किसी को कुछ नहीं बताएगी? फाइनली बहुत सोच विचार करके टेस्ट डिसाइड करती है कि वह पुलिस को एक एनोनिमस टिप दे देगी उन लाशों के बारे में मगर अपने बारे में किसी को भनक तक लगने नहीं देगी। वो बीइंग अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर राइटर, उसे बहुत अच्छे से पता है ऐसे मामलों में उंगली हमेशा लड़कियों पर ही उठती है। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद फिर से उस सिमुलेशन का सामना करना नहीं चाहती थी वो।
तो वो बस हॉस्पिटल जाकर कुछ जरूरी टेस्ट करवा लेती है, एसटीडी एड्स टाइप के, एंड दैट्स ऑल। बाकी सारे फर्स्ट एड्स वो खुद ही करती है। थैंकफुली कोई मेजर फ्रैक्चर नहीं हुआ था, इसीलिए उसे किसी ट्रीटमेंट की जरूरत भी नहीं पड़ती। मगर मेंटली बिल्कुल ही टूट चुकी थी वो, चैन से दोपहर सो भी नहीं पा रही थी बेचारी। हमेशा ही जैसे एक अलर्ट मूड पे दिन गुजार रहा था उसका। इवन अगले 2 दिन तक तो वो घर से निकलती भी नहीं, बार बार अपने वॉइस मेल को सुनती रहती है और बदले की आग में जलती रहती है। उसके जीवन का बस एक ही मकसद बन चुका था, अपने गुनहगार को सजा देना। मगर कैसे, उसका कोई आइडिया नहीं था टेस्ट को। ऊपर से इसी बीच एक दिन एक लेडी का कॉल आता है उसे, जो अपना नाम बेट से बताती है। कहती है वो कॉलवर्ज टाउन के एक पब से बोल रही है जिसका नाम है स्टैगर इन। उन्हें अपने पार्किंग लॉट में टेस्ट की गाड़ी मिली है जिसे उसे खुद आकर कलेक्ट करना होगा। टेस्ट और देर नहीं करती, उसी दिन वहां जाकर हाजिर हो जाती है। भले ही वहां उसे कोई पहचान ले इसका चांस बहुत कम था, फिर भी वो जितना हो सके इंटरेक्शन अवॉइड कर रही थी। मगर आखिर में वही होता है जिसका उसे डर था। बेट से उसे पहचान लेती है और उसके घाव को भी, मगर उसे लगता है ये जरूर टेस्ट के बॉयफ्रेंड ने किया होगा। वो उसे 100 तरह के एडवाइसेस भी देने लगती है, लेकिन वो जजमेंटल नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। ये तो बस उसका एम्पैथी था, वो खुद भी कभी ऐसे एक्सपीरियंस का शिकार जो बनी थी। बातों बातों में अपनी एक बहुत पर्सनल स्टोरी भी शेयर करती है वो टेस्ट के साथ, जो शायद उसने कभी और किसी से नहीं किया। हमें पता चलता है बचपन में उसके स्टेप फादर ने भी उसे मोलेस्ट किया था, जिसका घाव वो अभी तक अपने शरीर और मन में लेके घूम रही है। उसे पता है उसका दर्द कितना खतरनाक हो सकता है, इसीलिए ही तो वो टेस को और अच्छे से समझ पा रही थी। ऑनेस्टली टेस को उससे बात करके बहुत अच्छा लग रहा था, साथ ही साथ उसे बेटसे से एक बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है लेस्टर के बारे में। टेस उससे कहती है उस रात जब वो और उसका बॉयफ्रेंड झगड़ रहे थे, उसका बॉयफ्रेंड उस पर हाथ उठा रहा था तब लेस्टर ने ही उसे बचाया था। उसे नहीं पता वो कहाँ रहता है, लेकिन एक थैंक यू तो उसे जरूर मिलनी ही चाहिए। बेटसे को भी उसका एड्रेस पता नहीं था, मगर टेस उसका जो डिस्क्रिप्शन देती है उससे वो पहचान लेती है उसे। बताती है लोकली उसे सभी बिग ड्राइवर नाम से जानते हैं। कहाँ रहता है वो तो नहीं पता, मगर इस पब में आता जाता रहता है, 2 दिन पहले भी तो आया था। उसे सुनते ही एक आइडिया आ जाता है टेस के दिमाग में। वो बेटसे से एक रिक्वेस्ट करती है कि अगली बार जब ब्लेस्टर यहाँ आए क्या वो उसे इन्फॉर्म कर सकती है, वो उसे गिफ्ट देना चाहती है। बेटसे को उसका असली इरादा समझ नहीं आता, वो हाँ कर देती है। लेकिन टेस मन ही मन बहुत इम्पेशेंट हो पड़ी थी, स्पेशली वो आसपास ही रहता है ये जानकर। उसके दिमाग में बार बार बस यही आ रहा था कि अगर वो उस दिन इस रास्ते से नहीं जाती तो ये सब होता ही नहीं, तो कहीं ये सब प्रीप्लांड तो नहीं। उसे पता था वो जो सोच रही है वो कुछ ज्यादा ही फारफेच्ड है और प्रोबेबली गलत भी, लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड बार बार रमोना का नाम ले रहा था, कहीं सबके पीछे वो तो नहीं, उसे इस रास्ते पे तो उसी ने भेजा था ना, लिटरली फोर्स किया था उसे ये रूट चूज करने के लिए, खुद से आकर उसके GPS का सेटिंग भी बदला था। मगर क्यों, उसे इतना इंटरेस्ट क्यों था, सिर्फ कर्टेसी नहीं, दाल में कुछ काला तो जरूर है। टेस घर जाकर उसी दिन रमोना की सारी हिस्ट्री ढूंढ निकालती है। सबसे पहले लेस्टर के साथ उसे कनेक्ट करने की कोशिश करती है वो, हो सकता है लेस्टर उसका भाई है या बेटा, लेकिन ऑनलाइन ढूंढने पर उसे वैसा कुछ नहीं मिलता, बस रमोना के हस्बैंड के बारे में पता चलता है जिन्होंने सुसाइड किया था। उनके नेबर का कहना था वो बहुत भले इंसान थे, अपने बड़े बेटे को लेकर परेशान रहते थे हमेशा, कहीं ये बेटा लेस्टर तो नहीं, शायद उसके करतूतों के बारे में जानकर ही सुसाइड किया था उन्होंने। पॉसिबिलिटीज बहुत कुछ थे, मगर श्योरिटी एक की भी नहीं थी। एट लास्ट टेस रमोना के एड्रेस ढूंढ निकालती है और डिसाइड करती है उससे जाके मिलने का। उसके आंखों में आंखें डालकर उसे कन्फ्रंट करना चाहती थी वो, और अगर उसे जिंदा देख रमोना चौंक गई तो वो श्योर हो जाएगी उसे सब पता है। लेकिन अगर वो इनोसेंट निकली तो, जिसका इंट्यूशन गलत निकला तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस तो भयानक होगा, बेइज्जत तो वो होगी ही, इवन उसे जेल भी हो सकता है, तो क्या उसे इतना बड़ा रिस्क लेना चाहिए। जिसके अंदर एक बहुत बड़ी टग ऑफ वॉर चल रही थी, उसका दिमाग उसे रोक रहा था लेकिन उसका मन कह रहा था उसे एक चांस लेना चाहिए, तो वो वही करती है। उसी रात चोरी छुपे निकल पड़ती है वो, स्पेशली ख्याल रखती है कहीं कोई उसे देख ना ले, ना अपने घर से निकलते वक्त ना रमोना के घर में घुसते हुए। उसका घर ढूंढने में तो टेस को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, न दरवाजे पर उसे देखकर रमोना की जो हालत होती है उसे समझने में होती है। वो तो ऐसे चौंक उठी थी जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो,
एग्जैक्टली जैसे टेस्ट ने गेस किया था। वो रमोना को गन पॉइंट पे लेकर उसे कन्फ्रंट करती है, लेस्टर के बारे में सारी सच्चाई बताने के लिए कहती है, मगर वो औरत तो कम्प्लीटली डिनाई करती है, उल्टा उसी पे चिल्लाने लगती है, ऐसा नाटक करती है एज इफ उसे तो कुछ आइडिया ही नहीं टेस क्या पूछ रही है। लेकिन जैसे ही हाथापाई के दौरान टेस की गन उससे छीन जाती है, इधर रमोना का एटीट्यूड भी बदल जाता है। वो बहुत ही प्राउडली एक्सेप्ट कर लेती है कि लेस्टर उसका बेटा है और उसी ने टेस को चूज किया था उसका अगला शिकार बनने के लिए। वो अपने बेटे को खुश रखना चाहती है, इसमें गलत क्या है? जैसे क्रैपी राइटर है, उसकी स्टोरीज बकवास है, उसके जिंदा रहने या ना रहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो वो उसका फायदा क्यों ना उठाए। उसे लगा था इस कन्फेशन के बाद वो टेस को गोली मार देगी, वो सच्चाई जानकर भी कुछ कर नहीं पाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं, टेस होने नहीं देती। एक्चुअली उसने पहले ही गेस कर लिया था कि ऐसा ही कुछ होगा, वो तो जानबूझकर रमोना को मौका दे रही थी, और वो गन वो तो उसने पहले ही खाली कर रखी थी। ऐसे रिजल्ट रमोना के शूट करने से भी कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी जब वो सरेंडर नहीं करती, टेस को मारने की कोशिश करती रहती है, तब टेस भी एक किचन नाइफ से उसे मार डालती है, साथ में कन्फर्मेशन के लिए शूट भी करती है। उसके बाद जब वो वॉशरूम में जाती है खुद को क्लीन करने, वहाँ उसे अपनी डायमंड इयररिंग्स मिल जाती है। ये उसी रात लेस्टर ने चुरा लिया था, मतलब वो यहाँ आया था। इधर उधर देखते वक्त टेस को उसके एक फोटो भी दिख जाती है, जिससे उसे पता चलता है लेस्टर का एक भाई भी है, दिखने में ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों, और शायद दोनों ही ट्रक ड्राइवर भी है। फोटो के बैकग्राउंड में एक ट्रक शॉप का नाम भी विजिबल था, मे बी वहाँ उनका अक्सर आना जाना रहता है। तो टेस अपने सर्च वहीं से स्टार्ट करने की डिसाइड करती है। उसी रात उस जगह को ढूंढ निकालती है वो, और वहां जाकर इंतजार करने लगती है। लेकिन अगले कई घंटों तक भी जब वो नहीं आता, टेस को जब ऑलमोस्ट लगने लगा था कि उसने गलती कर दी, ठीक तभी उसे नजर आता है लेस्टर। वो एक बहुत बड़ा ट्रक चला रहा था और उस फोटो में भी यही ट्रक था। टेस नोटिस करती है उस पर कुछ लिखा है एड्रेस जैसा, तो लेस्टर की दुकान के अंदर घुसते ही टेस भी छुपके से जाकर वो एड्रेस पढ़ लेती है और उसका पीछा करने का फैसला लेती है। मगर उससे पहले एक पुलिस ऑफिसर उसे रोक लेती है, उन्हें किसी बात पर शक हो चुका था, तो वो टेस को इंटेरोगेट करने लगती है। मगर उसे कन्विंस करना टेस के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, वो झूठ बोल देती है कि उसे फ़ोन पर नेटवर्क मिल नहीं रहा है, इसीलिए वो इधर उधर जाकर चेक कर रही है। लेकिन इससे होता ही है कि लेस्टर उससे आगे निकल जाता है, टेस उसका पीछा नहीं कर पाती, उसे उस एड्रेस को ट्रैक करना पड़ता है अलग से। वैसे जीपीएस के कारण उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, मगर वहाँ तक पहुँचने से पहले उसे एक अबैंडन गैराज जैसा जगह पर लेस्टर का ट्रक दिख जाता है। सर किसी कारण से वो वहाँ रुका होगा, जगह बिल्कुल सुनसान थी, आसपास कोई दिख भी नहीं रहा था, पूरा सिचुएशन टेस के फेवर में था। लेकिन एक तरफ वो जैसे बदले की आग में जल रही थी, दूसरी तरफ उसे डर भी लग रहा था कि कहीं उसका ये चाल उसी पर भारी ना पड़ जाए। मगर साथ में उसे ये भी पता था कि ऐसा मौका उसे बार बार नहीं मिलेगा, इसीलिए वो और ज्यादा नहीं सोचती, जैसे ही उसे सामने देखती है शूट कर देती है, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स। वो समझ नहीं पाती ये लेस्टर है ही नहीं, ये तो उसका भाई है। दिखने में सिमिलर होने के कारण और आसपास अंधेरा रहने के कारण टेस की आंखें धोखा खा गई। लेकिन अब क्या, एक इनोसेंट इंसान की जान ले ली थी उसने, इसकी भरपाई वो कैसे करेगी? बहुत खराब लगता है टेस को, लेकिन वो अपने गोल से पीछे नहीं हटती। अगर उसे नरक में जाना ही है तो वो उससे पहले लेस्टर को वहां भेजना चाहेगी, उसका जाना तो तय है। उसका एड्रेस यहां से ज्यादा दूर नहीं था, कुछ मिनट के अंदर ही टेस वहां जा पहुंचती है, लेकिन उस घर को देखकर लग ही नहीं रहा था कि वहां कोई है। फिर भी टेस चांस लेती है, पीछे के रास्ते घुस जाती है उस घर में और दबे पांव हर जगह चेक करने लगती है। उसे कहीं से एक मैकेनिकल साउंड सुनाई दे रही थी, जिसे फॉलो करके उसे एक प्रिंटर दिखाई देता है, जिससे कंटिन्यूसली प्रिंट आउट निकल रही थी। ध्यान से देखने पर टेस समझ जाती है ये तो उसी की फोटो है, लेस्टर ने उसे मॉलेस्ट करने के बाद उसके साथ फोटोज भी खींचा था, मगर कैमरा किसके हाथ में था? इसका जवाब उसे दीवार की तरफ देखते ही मिल जाता है, जहां ऐसे ही हजारों फोटो लगे हुए थे लेस्टर के अलग अलग विक्टिम्स के। उस साइको ने तो इन्हें ट्रॉफीज की तरह सजा कर रखा था, और इनमें वो अकेले नहीं था, उसका भाई भी था उसके साथ, वही तो फोटोज क्लिक कर रहा था। इन्हें देखकर टेस को जितना गुस्सा आता है, उससे भी ज्यादा सेटिस्फेक्शन फील होता है अंदर ही अंदर कि उसने किसी इनोसेंट को नहीं मारा,
वो भी इक्वली गिल्टी था अपने माँ और भाई की तरह। टेस वहां से अपनी फोटोज निकाल लेती है और साथ में लेस्टर का फोन भी अपने पास रख लेती है। एक भी सबूत नहीं छोड़ती वो। उसका अगला स्टेप था लेस्टर को ढूंढ निकालना, जिसके लिए उसे ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती। घर के बैकयार्ड में ही वो मिल जाता है। बहुत इत्मीनान से अपना काम कर रहा था वो, जिसके आवाज से वो टेस के फुटस्टेप सुन नहीं पाता। और जब सुनता है, पीछे मुड़कर टेस को देखता है, उसकी तो हालत ही खराब हो जाती है। हैरानी में चौंक उठता है वो। ऊपर से जब टेस कहती है उसने उसके माँ और भाई को मार दिया है, और वो खुद भी जब टेस के कान में वो इयररिंग्स देख लेता है, वो समझ जाता है टेस सच कह रही है। गुस्से में पागल हो जाता है वो, टेस पर हमला करने जाता है, लेकिन उससे पहले टेस उसे शूट कर देती है और फिर उस नेल वाले बोर्ड से उसके माथे पर वार भी करती है। लेकिन इतने खून बहने के बाद भी जब लेस्टर नहीं रुकता, तो फाइनली टेस उसके प्राइवेट पार्ट में शूट करके उसे मार डालती है। टेस को अपनी जस्टिस मिल चुकी थी, लेकिन फाइनल टचेस अभी भी बाकी था। वो फिर से उस रेस्ट स्टॉप पर वापस जाती है। बहुत ध्यान से चारों तरफ चेक करती है, कहीं कुछ छूटा तो नहीं जिससे पुलिस उस तक पहुंच जाए। वहीं पर उसे अपना फोन मिल जाता है, जिसे वो पानी में फेंक देती है। पुलिस को तो वो पहले इन्फॉर्म कर चुकी थी उन लाशों के बारे में, ऑफ कोर्स एनोनिमसली। अब जब लेस्टर की लाश मिलेगी, उसके घर को भी जरूर सर्च किया जाएगा, उन्हें वो फोटोज मिलेंगे और बाकी विक्टिम्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे वो। इससे पूरा सीन ही पुलिस को जरूर समझ आ जाएगा, और अगर इस प्रोसेस में पुलिस उस तक पहुंच भी जाए, उसमें उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। तब जो होगा देखा जाएगा, लेकिन उससे पहले खुद को रिवील नहीं करेगी टेस। बहुत मुश्किल से खुद को जोड़ा था उसने, फिर से बिखरना नहीं चाहती थी। और वैसे भी उसने कोई सबूत तो छोड़ा नहीं, अपने सारे फोटोज को जला दिया था उसने, लेस्टर के फोन और अपने गन को पानी में फेंक दिया था, तो पुलिस उसे रिलेट कैसे कर पाएगी। टेस बहुत श्योर थी अपने कैलकुलेशंस को लेकर, लेकिन कुछ दिन बाद ही उसे एक ऐसा कॉल आता है जिसकी उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। आवाज किसी लड़की की थी। उसे पता था टेस ने क्या किया था, और वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट भी कर रही थी, लेकिन अपना नाम बताए बिना ही फोन कर देती है वो। उसके आवाज से टेस इतना तो गेस कर लेती है कि वो बेट्सी है, वही बेट्सी जिसे उसने लेस्टर की खबर देने के लिए कहा था। तो क्या उसने कुछ गेस कर लिया था? शायद हाँ, दोनों के घाव सेम टाइप के जो थे, तो उससे बेहतर कौन समझ पाती टेस को। लेकिन अभी सवाल ये था कि क्या वो सच में कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए कॉल करी थी, या फिर ब्लैकमेल करने के लिए। इसका जवाब हमें मिल नहीं पाता, क्योंकि ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। मेरे ख्याल से तो बेट से जेन्युइनली खुश थी। आपको क्या लगता है? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। टाटा।